हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटर टॉक चैनल। मैं शिव चोपड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। यह क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। ओम्स लॉ के बारे में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमंस ओम ने बताया था, जिन्होंने 3 फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी उनकी खोज थी जो उन्होंने लॉ बताया था, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कैलकुलेशन है उसमें ओम्स लॉ का यूज होता है, इसलिए उन्हें ऑनर देने के लिए इस लॉ को ओम्स लॉ कहा जाने लगा, जो कि उनके नेम पर था। ये लॉ हमें बताता है कि अगर किसी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये बैटरी है यहाँ पर, जैसे जैसे बैटरी की वैल्यू बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ही उसमें करंट की मात्रा भी बढ़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो करंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। करंट फ्लो इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का मतलब, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो करंट भी जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी हाफ हो जाता है। और इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट। और अगर प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना होता है तो आपको पता है जितनी भी डेरिवेशन होती है, तो यहां पर हमें इक्वल का साइन लगाना, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। तो इस तरह से इसको मैं कॉन्स्टेंट लगाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं रेसिस्टेंस आर आई। आर का मतलब है रेसिस्टेंस, आई मतलब करंट, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इनमें से कोई भी दो वैल्यू हमें पता है तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम ओम्स लॉ ट्रायंगल को यूज करेंगे। एक ट्रिक की तरह यह काम करता है। जैसे एक ट्रायंगल है, ये इसका जो अपर पोर्शन है ये पिरामिड शेप का है, और यहां पर हम तो वी शेप का लग रहा है ये ऊपर वाला, तो यहां पर हम वी लिखेंगे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी लिख लिया यहां पर, ट्रिक की तरह काम करेगा। और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें 9 डालकर फर्स्ट पार्ट में हम आई और राइट साइड में आर लिखते हैं। तो अगर हमने V की वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूला कैसे हेल्प करेगा, अगर हमने V की वैल्यू निकालनी है तो I R आपस में बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, V इक्वल I R, क्योंकि ये बिल्कुल आपस में पैरेलल है, I मल्टीप्लाई R। और अगर हमने I की वैल्यू निकालनी है तो V और R की क्या पोजीशन है, V अपॉन R। अगर हमने I की वैल्यू निकालनी है, अगर यहां से आप I को मिस करो तो V किस पोजीशन में, V अपॉन R। यहाँ पे लिखते हैं V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। इसी तरह से अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन I, अगर R की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन I। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें दो की वैल्यू पता है तो तीसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ओम लॉ से 3 फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं, 3 वैल्यू निकाल सकते हैं हम अगर हमें 2 वैल्यू गिवन हो। इस तरह से आप ओम लॉ के बारे में लिख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फॉरन थ्रो ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। और जो करंट होता है, कहने का मतलब जो करंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या बना है हमारे पास, V अपॉन R। इससे पता चलता है जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेसिस्टेंस के। कहने का मतलब, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, लेकिन अगर रेसिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट हाफ रह जाएगा। और ओम्स लॉ से हमें रेसिस्टेंस के एसआई यूनिट का भी पता लगता है। जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे हमने ड्राइव किया था, यहां से अगर आर को डिलीट करें, यहां पर आर को यहां लिख लेते हैं रेसिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या बनता है, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई इसका फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो कैसे निकलेगा,
V का ऐसे यूनिट आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या क्या होता है, वोल्ट। तो यहां पर लिख देते हैं वोल्ट, वन वोल्ट, और करंट का एम्पियर, एम्पियर वन एम्पियर। इस तरह से ये बन जाता है हमारे पास वन वोल्ट बाय एम्पियर। और इसका ऐसे यूनिट हम लिखते हैं साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए वन ओम, और वन ओम का साइन हम कैसे डालते हैं इस तरह से ओम। एक तरह से ये जो ओम है ये इसका ऐसे यूनिट है रेसिस्टेंस का। अब हम ओम लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पर है करंट, यानी कि उसके ऐसे यूनिट एम्पियर, करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर लिया गया है, और वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे यूनिट वोल्ट दिखाया गया है। तो ये टेबल से पता चलता है जब किसी कंडक्टर में, किसी स्पेसिफिक कंडक्टर में 1.2 वोल्ट दी गई तो एम्पियर की रीडिंग आई 0.2 एम्पियर करंट की रीडिंग आई। जैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज सर्किट में, जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कुछ एक सेल फिट किया गया 1.2 वोल्ट का, तो जब एमीटर पर रीडिंग देखी तो आया 0.2। और जब सेल की क्वांटिटी, दूसरा सेल भी सेट किया गया, मान लो पहले एक ही सेल लगा हुआ था दूसरा सेल, तो 1.2 यानी 2.4 वोल्ट होगी बैटरी टोटल, और करंट की रीडिंग भी उस हिसाब से बढ़ गई 0.4। इसी तरह से जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस टोटल बढ़ा, करंट की क्वांटिटी भी, वैल्यू भी बढ़ती रही एम्पियर। तो अगर इसको हम ड्रा करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.2, करंट 0.2। 1.2 कहां पर होगा, ये 1 से थोड़ा ऊंचा होगा, और इधर करंट की क्या है 0.2, तो ये यहां पर आएगा। उसके बाद 2.4 और 0.4, 2.4 क्या है, 2.4 कुछ यहां पर होगा 2.4, और यहां से जो करंट है 0.4, 3.6 है 0.6, 3.6 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेंगे, ये इसके मिड से थोड़ा ऊंचाई पर होगा, और उधर से 0.6 यहां पर। इस तरह से 4.8 जब वोल्ट है तो करंट है 0.8, 4.8 5 से थोड़ा नीचे होगा 4.8 की वैल्यू, और इधर से 0.8 हम लेकर जाएं तो कुछ ये यहां पर नियर अबाउट आएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाती है। अगर हम इन सबको ड्रा करें तो इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन यानी कि ये कुछ इस प्रकार से इसकी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो बताता है कि करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनका जो रिलेशन होता है लीनियर रिलेशन होता है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। नंबर वन पर हम लिख सकते हैं ओम लॉ इज वैलिड फॉर मेटल कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि ओम लॉ तब अप्लाई होता है अगर जो कंडक्टर हो वह मेटालिक होना चाहिए, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर या कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी जो भी है वह कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द गैसियस कंडक्टर। ये गैसेस कंडक्टर जो कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो जाती हैं, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा ओम लॉ। और थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेमीकंडक्टर सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये थे इनके कुछ लिमिटेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओम्स लॉ के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।